सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग, आज का पिक सर। आशीष जी गुड मॉर्निंग, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे है। इनफैक्ट कल भी इस पे, मुझे लगता है कल या परसों मैंने इस पे एक बाय दिया था, और इसका जो रैशनल है वो सेम ही है। 2340 इसका 200 DMA है और इस लेवल से ये पलटना चाहिए। 2330 का स्टॉप लॉस होगा, कहां तक जाएगा? मेरे हिसाब से इसका अभी जो नेक्स्ट पड़ाव होगा वो रहेगा 2420 का। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इनिशियली, प्रोबेबली आज के लिए आप 2400 का पहला टारगेट लीजिए, लेकिन मुझे लगता है ऑल एंड ऑल ये 2420 तक जाएगा। सो रिलायंस इज अ बाय। ओके, रिलायंस इज अ बाय। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर प्ले आउट हो जाएगा। एक पर्सनल एडवाइस जरूर ले लीजिएगा क्योंकि रिलायंस इस चैनल को ओन करती है। चलिए अब अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीवन ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा टॉपिक आज का रहेगा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पीछे जब निफ्टी में फॉल भी आया इतना बड़ा, तो इसने अपना ब्रेकआउट रिटेस्ट एरिया लगभग 900-910 का काफी ब्यूटिफुली होल्ड किया। दिस स्टॉक वॉज नॉट इम्पैक्टेड बाय द फॉल इन निफ्टी, और पिछले 8-10 दिनों में हम देख रहे हैं कि इस पुलबैक के बाद स्टॉक ने अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन किया 900-910 के लेवल पे। कल के सत्र में हमने एक बुलिश कैंडल देखी 10 DMA से और डेज हाई पे ऑलमोस्ट बंद हुआ है। तो मुझे लगता है भारतीय एयरटेल में रिन्यूड मोमेंटम रहेगा। प्राइस है 920 का, टारगेट्स रहेंगे 945 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेगा 907 का। भारतीय एयरटेल, दरअसल जुलाई सब्सक्राइबर्स का डेटा आया है, वो भी बढ़िया एडिशंस यहाँ पे इसमें और जियो में होते हुए नजर आए, तो रिलायंस और भारती वैसे ही फोकस में। स्टॉक्स न्यूज पे इस पर आगे बातचीत हो जाएगी। आज के सारे ट्रेडिंग बेट्स हो गए शरद अवस्थी साहब के पास, वापस कोलकाता चला जाए। अरे भैती साहब रह गए, पहले भैती साहब से तो पूछ लूं। भैती साहब आप कहाँ थे? गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी आज का प्रिफर्ड पिक रहेगा सन फार्मा में, खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है थोड़ा सा वोलेटिलिटी में मार्केट शेयर डिफेंसिव की तरफ ज्यादा मूव करने का अटेम्प्ट लेगा। जिस हिसाब से कल फार्मा में पूरा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ था, सन फार्मा ने भी अपना 20 DMA के ऊपर क्लोज दिया, विच इज वेरी फेवरेबल फॉर द स्टॉक। 1125 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 1135-65 के टारगेट के लिए इसमें पोजिशन बनाई जा सकती है। ओके, चलिए सन फार्मा ये इस समय की पिक आशीष बहेती जी की। आई थिंक टेक्निकल कॉल सब सारी पूरी हो चुकी हैं, शरद अवस्थी को जोड़ लेते हैं फंडा पिक के लिए। शरद जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पिक रहेगी? मुझे लगता है IOC एक डिसेंट बेट होनी चाहिए। रिसेंटली जो बॉन्ड फंड में इंक्लूजन की बात आई है लॉन्ग टर्म में करेंसी के लिए, वो फेवरेबल होनी चाहिए। और ISC अपनी ज्यादातर रॉ मटेरियल जो ऑयल है वो इम्पोर्ट ही करते क्रूड फॉर्म में, तो उसका फायदा उनको लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में नवरत्न कंपनी है, लगभग 31% कैपेसिटी ऑयल रिफाइनिंग की, 32% मार्केट शेयर है इंडिया में, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरीज है। इसके अलावा पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मेजर पोजिशनिंग है उनकी, और आने वाले समय में कंपनी जो कैपेक्स कर रही है लगभग 70,000 करोड़ का, उसमें बहुत सारे नए जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी वाला स्पेस है वहां पे भी काफी काम कर रहे हैं, चाहे बैटरी स्वैपिंग हो या हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हो जिसमें एलएनटी के संग टाई अप है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पे भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कंपनी आइडियली प्लेस्ड है एक सिनेरियो के लिए जहां तेल में जो प्राइसेस कम रहेंगे उसका भी फायदा होगा, इंपोर्ट में कॉस्ट कम होगा, करेंसी की टेलविंड्स रहेंगी, प्लस ये जो 3-4 वेंचर्स हैं चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे बैटरी स्वैपिंग हो, चाहे एनर्जी स्टोरेज हो, चाहे हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो SGVN के संग, इन सब चीजों पे कंपनी काफी खर्च कर रही है जिसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। वैल्यूएशन के लिहाज से भी मुझे लगता है काफी डिसेंटली प्लेस्ड है। हमारा ये मानना है कि अगले 2-3 साल में 13-13.5 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी आसानी से रिपोर्ट करेगी, और 40-50% का पे आउट रेशियो रहता है तो 6-7% की डिविडेंड यील्ड भी रहनी चाहिए। कंजर्वेटिवली भी ट्रेड करता है तो मुझे लगता है 9-10 का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए, तो 130 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से IOC। IOC है फंडामेंटल पिक, एक्यूमुलेट करने के मौके, 110 के टारगेट्स, 130 के टारगेट्स अवस्थी साहब के। अच्छा पैनल के सभी मेंबर्स को दिखाइएगा, अवस्थी साहब और सिर्फ बहेती साहब चश्मा नहीं पहने हैं, या तो बचपन में आप दोनों ने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी या कम TV देखा है, पता नहीं जो भी रीजन है। गावा सर आपने क्या किया था बचपन में? मैं तो डफर था, डफर, थर्ड स्टैंडर्ड में रिपीट किया है मैंने। पढ़ाई तो मुझे पता ही नहीं क्या होता था, पढ़ाई का स्पेलिंग भी नहीं आता आजकल। वैसे आशीष एक बात बताऊं, मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंकली, मैं तो हमारे को तो टीवी बहुत ज्यादा अलाउड ही नहीं था,
और उस समय तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था हमारे जमाने में, तो ले देके एक वीकेंड पे वो रामायण और महाभारत देखने को मिलती थी, सैटरडे का चांद या फिर वो गाया बाया वगैरह वो सब जो होते थे वो स्कूल के बाद एक कार्टून शो आता था, वो जंगल बुक आता था, कुछ आता था, उतना ही टीवी होता था, उससे ज्यादा टीवी नहीं होता था, ठीक है ना। मुझे मैं कॉलेज में जब तक था, और कॉलेज में भी उस समय पे तो पढ़ाई पूरी की पूरी बुक्स में होती थी, अब तो आजकल तो सबके सब पढ़ाई जो है वो डिजिटल हो गई है, कंप्यूटर वगैरह भी हमने बहुत बाद में ही देखे थे। मैं जब तक कॉलेज में था, जब तक MBA में था, तब तक मेरी परफेक्ट आईसाइट थी, एकदम परफेक्ट आईसाइट थी, और 6x6 से बेटर एक लेवल होता है, वो लेवल की आईसाइट थी मेरी। फिर मैंने ज्वाइन किया CNBC और उसके बाद से फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। और 2003 में मैंने ज्वाइन किया CNBC TV18, 2003 में ही मुझे चश्मा लग गया, और अब 20 साल हो गए चश्मा लगे हुए, लेकिन मतलब उसका कोई कनेक्शन बचपन से नहीं। आजकल खैर बच्चों को बहुत चश्मा लग रहा है, मेरी तो बेटी को ऑलरेडी चश्मा लग गया, वो बेचारी 9 साल की है, लेकिन उनको एक दिक्कत है, मायोपिया है कुछ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।